तो हेलो दोस्तों, तो गाइस जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, तो गाइस अगर आप भी कुछ उस तरह का डीजे स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं तो गाइस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। और गाइस आपको उस तरह का स्टेटस एडिटिंग करने के लिए गाइस एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। इस ऐप का नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास काइन मास्टर ऐप नहीं है तो गाइस मैंने उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना गाइस आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद गाइस आपको 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। और गाइस सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको एडिटिंग पर आना है। और आने के बाद गाइस यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, तो गाइस आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ अ क्लिप का। तो गाइस आपको यहां पर आने के बाद गाइस आपको इसको 0.5 सेकंड कर लेना है। और करने के बाद गाइस आपको यहां से फिल स्क्रीन कर लेना है। इससे क्या होगा गाइस, हमारे फोटो ऑटोमेटिकली जूम हो जाएंगे। और जूम होने के बाद गाइस आपको क्या करना है गाइस, आपको यहां से गाइस आपको अपने 15 फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो गाइस मैं यहां से 15 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइज मैंने यहाँ से 15 फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। गाइज मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो गाइज आप क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और गाइज आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये स्टेटस हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज हो चुका है। तो गाइज अब आ जाना है आपको बैक, और गाइज बैक आ जाने के बाद गाइज आपको फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद गाइज आपको फिर से वही रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। और सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको वाला वीडियो लेना है जो गाइज हमने अभी एक्सपोर्ट किया था। तो गाइज आपको इसको 8-9 बार इस वीडियो को ले लेना है। और लेने के बाद गाइस आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेना है। और लेने के बाद गाइस आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। और गाइस फुल स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का। तो गाइस आपको यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको इसको इनेबल कर देना है। ओके गाइस, तो गाइज जो हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो गाइज उसकी लेयर बड़ी है। तो गाइज अब क्या करना गाइज, आपको इस पर वीडियो पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर आना है। गाइज आपको डुप्लीकेट कर लेना है। ओके गाइज, तो गाइज आपको 3 से 4 बार गाइज आपको डुप्लीकेट कर लेना है जब से गाइज हमारी ये लेयर पूरी नहीं होती। तो गाइज बस गाइज ये होने वाली है। ओके गाइज तो हो चुके हैं। तो गाइज अब क्या करना गाइज, आपको स्टार्टिंग में आना है। और आने के बाद गाइज आपको गाइज लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। और गाइज मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से गाइज एक इफेक्ट वीडियो लेना है। और लेने के बाद गाइज आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। और करने के बाद गाइज आपको फिर से ब्लेंडिंग पर जाना है। और जाने के बाद गाइज आपको स्क्रीन कर देना है। और गाइज स्क्रीन करने के बाद गाइज जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज इसको आपको कट कर देना है। तो गाइज आपको कैंची पर जाना है। और जाने के बाद गाइज आपको ट्रिम टू राइट टॉप प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। ओके गाइज, तो गाइज अब क्या करना है गाइज, आपको एक बॉर्डर इमेज लेना है। तो लेने के बाद गाइज आपको लेने के लिए क्या करना होगा, गाइज लेयर में जाना है। और गाइज लेने के बाद गाइज आपको मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से एक बॉर्डर इमेज ले लेना है। तो लेने के बाद गाइज आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है। और करने के बाद गाइज आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग पर जाना है। और जाने के बाद गाइज आपको स्क्रीन कर देना है। और गाइज आपको उसकी लेयर को भी इतना कर लेना है जितने हमारे बैकग्राउंड वीडियो है। ओके गाइज, तो गाइज ये कुछ इस तरह से गाइज बन के बारे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज बस इस वीडियो में अगर सो गाइज अगर आपको ये स्टेटस अपनी गैलरी में सेव करना है तो गाइज आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइज आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ये स्टेटस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, वरना गाइज आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो गाइज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।